भारतीय जनता पार्टी का जय हो, भारतीय जनता पार्टी का जय हो, कुमार जी आगे बढ़ो, हमारे साथ है, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज ये सेंट्रल हॉस्पिटल में जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो हमने सरकार से मंजूरी करा के, डॉक्टर साहब, चाहे यहाँ का सेंट्रल हॉस्पिटल का दोनों मेन गेट हो, उसके अलावा अंदर के रोड्स जो भी इंटरनल रोड्स है वो सेंक्शन करवाए हैं, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सालों से दोनों लिफ्ट बंद पड़ी हुई थी, आज वो दोनों लिफ्ट नए मंजूरी करवाए 40 लाख रुपये फंड के लिए। वो दोनों हाइड्रोलिक लिफ्ट जो ऑटोमेटिक रहती है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वो सेंक्शन करवाई है। उसके अलावा यहाँ पे आय के लिए जो ऊपर शेड और सुशोभीकरण करना है वो सेंक्शन करवाए हैं। यहाँ पे जो डेड बॉडी रखने की जो जगह रूम है जो उसको एयर कंडीशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसा बात वगैरह उसकी बदबू वगैरह बाहर न जाए, काफ़ी सारे काम से जो जो सेंट्रल हॉस्पिटल के सेंक्शंस है। और उसके अलावा जो अभी जो लेट जो ऑपरेशन महिलाओं के लिए ऑपरेशन थिएटर है उसको रिन्यूशन करवाया है। उसके अलावा जो जो सेंट्रल हॉस्पिटल की मांग है चाहे डॉक्टर्स की है चाहे नर्स की है वो भी हमने सरकार से मांग की है। और उसके बाजू में जो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल के पीछे खाली प्लाट पड़ा है वहाँ पे 300 बेड की लेटेस्ट बिल्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक नर्सिंग कॉलेज हमने मांग की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द वो भी सेंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल हॉस्पिटल में बेचारे गरीब लोग जो मिडिल क्लास लोग पूरे उल्लासनगर से यहाँ पे कोई डिलीवरी के लिए या एक्सीडेंट पेशेंट्स हर बीमारी के लिए यहाँ पे आते हैं चाहे कोविड पेशेंट्स हो। ये हॉस्पिटल ऐसी है न सिर्फ उल्लासनगर को सेवाएं देती है लेकिन आसपास के जो भी हमारे पास में गांव है चाहे टीटवाला है कसारा तक यहाँ पे करजत अंबरनाथ बल्लापुर आसपास के सभी गांव वाले यहाँ पे आके इसका सेंट्रल हॉस्पिटल का लाभ लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल हॉस्पिटल एक सुंदर हॉस्पिटल हो, जैसे आदमी को यहाँ से बम्बई जाने की ज़रूरत ना पड़े, हर सुविधा हर फैसिलिटी यहाँ पे मिले, हर पेशेंट का जो भी शरीर का तकलीफ है वो यहीं पे दूर हो, ऐसा हमारा कोशिश चलेगा। कुमार सर, इसके पहले जो है सेंट्रल अस्पताल को लेकर राजनीति भी बहुत हुई है, विकास कार्य में देरी हुई है, लेकिन इसके पहले भी देखने को मिला कि कुछ भूमि पूजन किया गया था राष्ट्रवादी की तरफ से, आपने अपनी प्रतिक्रिया बताई थी, तो इन कामों के बाद और कोई भूमि पूजन होगा या फिर ये विकास कार्य होंगे और शहर को अच्छा अस्पताल मिलेगा? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्यों किया गया क्या किया गया। आज इस शहर का आमदार मैं हूं और जो निधि वगैरह है मैंने सेंक्शन करवाई है। बाकी कोई भी आके यहाँ पे अगर नारियल फोड़ के जाता है तो मैं उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कहूँगा। आज हमने ऑफिशियली वर्क आर्डर लेके सरकार से मंजूरी करा के कुछ आमदार निधि से काम कुछ सरकार के निधि से काम सेंक्शन करवाए और सारे काम जो जो हमने बताए हैं वो लीगल है। मेरे पास वर्क आर्डर है और उस पर सब पे लिखेला है आमदार कुमार एलनी के प्रयासों से। कितनी की लागत से बनाया जा रहा है, कितनी निधि है, कब तक बन के तैयार? नियर अबाउट मेरे हिसाब से हमने 4.5-5 करोड़ के काम करवाए हैं और आने वाले समय में माना आज से इनकी शुरुआत होगी, कल परसों से रोड बनना चालू हो जाएगा, गेट बनना चालू है, यहाँ ऊपर का जो सुशोभीकरण जो जो काम जैसे जैसे भी होगा ठेकेदार से हर एक का अपना अपना कॉन्ट्रेक्टर अलग अलग है। सर, फायर ऑडिट नहीं है सेंट्रल अस्पताल का? वो भी हो जाएगी सेंट्रल हॉस्पिटल की फायर, उसके लिए भी 2 करोड़ का हमने निधि का मंजूरी करवाया है। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सेंट्रल हॉस्पिटल की जो ज़रूरतें हैं कुछ हम आमदार निधि से चाहे सरकारी निधि से हम सेंक्शन करा के सब पूरा करें। बहुत सालों से जो सेंट्रल हॉस्पिटल की समस्याएँ थी वो प्रलंबित समस्या निवारण करने के लिए माननीय आमदार साहब उनका जो आमदार निधि है उनमें से जो गेट गार्डन रास्ते का काम ये हो रहा है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और मॉड्यूलर लेबर रूम और जो ऑप्थेल्मिक का जो डेवलपमेंट चल रहा है रिनोवेशन और वो बिल्डिंग का जो शेड उसका भी सैंक्शन हो गया है और लिफ्ट का अभी आज भूमि पूजन होने वाला है, उसका 62 लाख
निधि सैंक्शन हुआ है और पोस्टमार्टम का जो रूम है उसका 82 लाख निधि सैंक्शन हुआ है, एयर कंडीशन रूम। ऐसा अलग अलग जो कामों का जो सभी कामों का आज रिसर उद्घाटन और भूमि पूजन हुआ है और सभी काम उल्लासनगर के आमदार साहब कुमार आयलानी साहब इनके फॉलोअप और उनके सपोर्ट से हो रहा है। सर, इसके पहले भी आपने जब राष्ट्रवादी के उद्घाटन के टाइम पे, मुहूर्त के टाइम पे यही आंकड़े बताए थे और अब जो है फिर से वही चीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक ओहदे पे बैठे हैं तो आपको राजनीति का शिकार होना पड़ता है क्या? राजनीति का शिकार तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आंकड़े तो वही सेम रहेंगे। जिसका सैंक्शन हुआ है वही आंकड़े जो पहले जो बोला है वही आंकड़े रहेगा, आंकड़े चेंज नहीं होने वाले। अच्छा, फायर ऑडिट के लिए क्या कहा गया? फायर ऑडिट के लिए अभी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है 2,40,000 का निधि सैंक्शन हुआ है अपने सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए। डिस्ट्रिक्ट के सब हॉस्पिटल के लिए निधि सैंक्शन हुआ है, सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए मोर देन 2 करोड़ सैंक्शन हो गया है। सर, थोड़े दिन पहले कुछ बोगस नौकरियों का भी मामला सामने आया था, उसके लिए जो एक सुसाइड का पत्र आपके पास आया था, तो उसके ऊपर किस तरीके की प्रतिक्रिया चल रही है? एक्चुअली वो सब्जेक्ट अभी का सब्जेक्ट नहीं है, वो उद्घाटन का टाइम है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट ने जो किया है, जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से किया है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।